हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमजे टेक। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा इंस्टाग्राम के बारे में और आपको बताऊंगा हाउ टू यूज इंस्टाग्राम ऑन पीसी। कुछ ऐसी बेस्ट गूगल क्रोम में एक्सटेंशंस के बारे में आपको बताऊंगा जिन्हें यूज़ करके हम अपने पीसी पर इंस्टाग्राम को यूज़ करेंगे। दोस्तों, इंस्टाग्राम को हम अपने पीसी पर ओपन तो कर सकते हैं, बट इसमें कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिससे हम कुछ यहाँ पर अपलोड कर सकें। दोस्तों, इंस्टाग्राम के डेस्कटॉप वर्जन से हम IGTV तो अपलोड कर सकते हैं, बट अगर हमें यहाँ पर कोई पिक्चर अपलोड करनी है या पोस्ट करनी है तो उसकी कोई फैसिलिटी नहीं दे रखी यहाँ पे। 10 अप्रैल 2020 को इंस्टाग्राम ने इंस्टाग्राम मैसेजिंग एक सर्विस प्रोवाइड की थी जिसे यूज़ करके हम डेस्कटॉप कंप्यूटर से मैसेज सेंड कर सकते हैं। फर्स्ट प्रो में एक्सटेंशन जिसे यूज़ करके हम डेस्कटॉप वर्जन से इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हैं, उसका नाम है ऐप फॉर IG। तो इसे डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले क्रोम वेब स्टोर पर जाना होगा। तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र में टाइप कीजिए क्रोम वेब स्टोर, क्रोम वेब स्टोर। तो फर्स्ट जो लिंक है इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ आपको एक एक्सटेंशन, जो क्रोम एक्सटेंशन, उसको सर्च करना है जिसका नाम था ऐप फॉर आईजी। तो यहाँ पर सर्च हो रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट लिंक है यही एप्लीकेशन आपको यहाँ पे, यही ऐप आपको अपने डेस्कटॉप वर्जन पर इंस्टॉल करना है। तो इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने अपने पीसी पर इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। चलिए इसके बारे में देखते हैं, इसका ओवरव्यू। मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्टाग्राम डेस्कटॉप क्लाइंट, वर्जन इसका 0.0.6 है। लास्ट अपडेट इसका 11 जुलाई को आया था इस साल। साइज इसका 210 KB है। तो इसको डाउनलोड करने के बाद जब आप अपने क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करोगे तो यहाँ आपको राइट कॉर्नर पर जाना है, अपर राइट कॉर्नर में अपने पीसी पर। तो यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। तो एक्सटेंशन पे क्लिक करने का फर्स्ट जो आपकी यह एक्सटेंशन क्रोम एक्सटेंशन आ रही है, इसको आपको पिन करना है, मींस कि इसको किसी वेबसाइट इंस्टाग्राम के लिए इनेबल करना है। तो इनेबल करने पर आपको के बाद आपको अपने पीसी पर इंस्टाग्राम ओपन करना है। ऐप फॉर IG क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको राइट अपर कॉर्नर में इसके आइकॉन पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके पास मोबाइल वर्जन में एक इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन खुलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो आपको दिखाने के लिए मैंने ये छोटा किया है। तो जैसे आपका मोबाइल में इंस्टाग्राम चलता है वैसे ये ओपन हुआ है। तो जैसे कि आप बॉटम में दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे प्लस का साइन मिडल में, तो यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो अपने सिस्टम से किसी भी आप इमेज फाइल को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है तो इस पर क्लिक करके आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस एप्लीकेशन के कुछ और फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर टॉप पर आपको एक कैमरा आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करने पर आप किसी भी इमेज फाइल को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर राइट अपर कॉर्नर में इस आइकॉन पर क्लिक करोगे तो आप जो आपकी IGTV फाइल होती है उसको भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिडल वाले बटन में, एरो बटन में आप क्लिक करोगे, इससे आप डायरेक्ट किसी को भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर टू के कॉलम में आपको जिसको भी यहाँ पर मैसेज सेंड करना उसका नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर ये फैसिलिटी, मैसेज की फैसिलिटी भी दे रखी है। तो इंस्टाग्राम के आइकॉन पर क्लिक करने पर आप किसी भी इमेज फाइल को सेंड कर सकते हैं, मीन्स की पोस्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम। नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन जिसे यूज़ करके हम कोई भी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हैं, उसका नाम है
ऐप फॉर इंस्टाग्राम। तो चलिए इसको भी क्रोमे वेब स्टोर से हम सर्च करते हैं। क्रोमे वेब स्टोर के हमें लेफ्ट साइड में अपर कॉर्नर में जाना है। तो यहाँ पे हमें टाइप करना है ऐप फॉर इंस्टाग्राम। तो सर्च करने के बाद आप देख पा रहे हैं आपका जो फर्स्ट लिंक आ रहा है, आपको इसको इंस्टॉल करना है क्रोमे वेब एक्सटेंशन को। तो मैंने ऑलरेडी अपने ये फ़ोन पीसी पर इसको इंस्टॉल कर रखा है। तो चलिए इसको ओपन करके बताता हूँ। तो जैसे इसके आइकॉन पर आप क्लिक करोगे तो मोबाइल वर्ज़न में आपके सामने कुछ इस तरह से ये इंस्टाग्राम ओपन होगी। तो इसमें भी सेम बॉटम में आप देख रहे हैं पहले वाली क्रोमे एक्सटेंशन के जैसे। मिडल में आपको प्लस का साइन दिया गया है, यहाँ से आप अपनी इमेज फाइल को अपलोड कर सकते हैं। होम का बटन है, ये सर्च का बटन भी दे रखा है यहाँ पे, फेवरेट्स का, और ये आपका चैनल का प्रोफाइल यहाँ से देख सकते हैं। स्टोरी अपलोड करनी है तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। कोई पिक्चर आपको अपलोड करनी है तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने पर कोई पिक्चर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो राइट अपर कॉर्नर में, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद, इस आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी अपनी IGTV वीडियो जो है इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसका ओवरव्यू चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं। इसका जो करंट वर्जन हमें प्रोवाइड किया जा रहा है 1.5.1 है। लास्ट अपडेशन इसकी 17 जुलाई 2020 को आई थी। साइज़ इसका 363 KB है जस्ट, तो काफ़ी छोटा साइज़ है इसका। तो इसको इंस्टॉल करके आप अपने PC पर इंस्टाग्राम ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं। और कोई कंटेंट अगर आपको अपलोड करना है इंस्टाग्राम पर तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रोमे एक्सटेंशन जिसे यूज़ करके हम इंस्टाग्राम पर कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, उसका नाम है डाउनलोडर फॉर इंस्टाग्राम। तो चलिए क्रोमे वेब स्टोर पर देखते हैं इसको। तो क्रोमे वेब स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है डाउनलोडर फॉर इंस्टाग्राम। डाउनलोडर फॉर इंस्टाग्राम, तो कुछ समय ले रहा है ये। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो फर्स्ट लिंक का आपका है, तो इस क्रोमे एक्सटेंशन को अपने PC पर आपको इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी अपने PC पर इसको इंस्टॉल कर रखा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एवव रेडियंट कंपनी के द्वारा हमें ये ऑफ़र किया जा रहा है। काफ़ी सारे यूज़र्स इसको जो है यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए एक बार इसका ओवरव्यू चेक करते हैं। करंट वर्ज़न इसका 5.6.7 है। लास्ट अपडेट इसका अक्टूबर 1 को, पिछले कल आया था। और साइज़ इसका 735 KB जस्ट है। तो इसको आप अपने PC पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्सटेंशन में जाना है अपने राइट ऊपर कॉर्नर में, वहाँ पर इसको पहले अनपिन करना है, इनेबल करना है इंस्टाग्राम के लिए। तो इसके आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल के आइकॉन पर क्लिक करना है। तो इसका मोबाइल वर्जन इंस्टाग्राम का आपके सामने ओपन होगा। तो ये आपके सामने देख पा रहे हैं जैसे कि आप, ओपन हो चुका है। तो सबसे बॉटम पे आप देख पा रहे हैं एज इट इज़ प्रीवियस जो हमारा
क्रोमे एक्सटेंशन थी, उसके जैसे ही आपको यहाँ पे मिडल में एक प्लस का साइन दिया गया है, बटन दिया गया है, जिसे आप यूज़ करके यहाँ पर कोई भी कंटेंट जैसे कि इमेज फाइल, वीडियो फाइल अपलोड कर सकते हैं, इमेज फाइल अपलोड कर सकते हैं। और सबसे टॉप पर आपको दिखाई दे रहा है कैमरा आइकॉन पर क्लिक करने के बाद किसी इमेज फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो आइकॉन है टॉगल का है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो आपकी टैब का वज़न भी इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम का जो टैब वज़न है वो भी दिखाई देगा आपको। दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो सेम फिर से आपको मोबाइल वज़न दिखाई देगा। तो राइट अपर कॉर्नर में इस पर क्लिक करने के बाद आपको कोई इमेज फाइल जो है सिस्टम पर से अपलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो IGTV वीडियो फाइल है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी चूज़ कर सकते हैं वीडियो फाइल। तो मिडल बट जो का जो एरो के जैसे का बटन है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी जो किसी भी को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो इस एरो के बटन पर क्लिक करने के बाद आप किसी को भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो टू के कॉलम में आपको उसका नाम देना है जिसको भी आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो इसको सेंड कर सकते हैं। चलिए बैक चलते हैं। तो ये थी ऐसी कुछ क्रोमे एक्सटेंशन जिन्हें यूज़ करके हम इंस्टाग्राम पर कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के नीचे लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो मेरे फ्यूचर की वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो रेगुलर मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।